सिंधिया के करीबी मंत्री जमीन मामले में फंसे। पूर्व बीजेपी नेता ने लगाया घोटाले का आरोप। ससुराल से मिली 50 एकड़ जमीन का घोटाला। गोविंद सिंह राजपूत को मिली 50 एकड़ जमीन। सिंचित जमीन को असिंचित दिखाकर नाम कराया। मध्य प्रदेश में साल 2020 में कांग्रेस से बीजेपी में आए 22 एमएलए में से एक गोविंद सिंह राजपूत जमीन मामले में फंस गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी गोविंद सिंह राजपूत शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें राजस्व एवं परिवहन मंत्री बना रखा है, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत को ससुराल से दान में मिली 50 एकड़ जमीन का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। गोविंद सिंह राजपूत सागर की सुर्खी विधानसभा से विधायक हैं। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को उनके सालों ने करीब 50 एकड़ जमीन दान की है। इसको लेकर पूर्व बीजेपी नेता राजकुमार धनोरा ने खुलासा किया है। मंत्री गोविंद सिंह पर आरोप लगाया गया है कि मंत्री ने पहले अपने सालों के नाम पर जमीन खरीदी थी, फिर दान पत्र लिखवा लिया। इसकी शिकायत उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से की। वहीं दान में मिली एक करीब 50 एकड़ जमीन जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। जमीन दान करने का यह मामला लोगों के बीच अब चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के मुताबिक साल 2021 में सागर के करीब 12 किलोमीटर दूर गांव में हिमाचल सिंह राजपूत और उनके भाई करतार सिंह राजपूत ने करीब 50 एकड़ जमीन खरीदी थी, मगर साल 2022 में इस जमीन का दान पत्र उन्होंने अपने जीजा मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, बहन सविता सिंह और भांजे आदित्य सिंह राजपूत के नाम लिख दिया। इस दान की जमीन को लेकर पूर्व बीजेपी नेता राजकुमार धनोरा ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर कुछ और भी आरोप लगाए। धनोरा का कहना है कि गोविंद सिंह राजपूत ने एक साल में बच्चे के नाम पर लगभग 75 एकड़ जमीन खरीदी, आखिर उनके पास इतना पैसा कहां से आया। राजकुमार धनोरा वो नेता हैं जिन्हें कुछ महीने पहले ही पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। धनोरा ने रोते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने पार्टी को 30 साल दिए, लेकिन बाहर से आए नेता गोविंद सिंह राजपूत की वजह से उन्हें 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया गया। पूर्व बीजेपी नेता राजकुमार धनोरा के आरोप पर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है, अगर किसी से ब्लड का रिलेशन होता है तो उसके पास जमीन जायदाद है तो वो दान पत्र लिख सकता है। ये काम कोई चोरी छिपे नहीं होता, बकायदा रजिस्टर्ड होता है। इसके साथ ही कोर्ट भी जाना पड़ता है, हर चीज ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके ससुराल में एक जमाने में 600 से 800 एकड़ जमीन थी और आज भी उनके पास 400-500 एकड़ जमीन है। वहीं मामला का खुलासा करने वाले राजकुमार धनोरा ने अपनी जान को खतरा बताया है। धनोरा ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मामले से संबंधित सबूत सौंपते हुए कहा है कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने डीजीपी को इस संबंध में पत्र लिखा है, साथ ही अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए कुछ भी होने पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को जिम्मेदार ठहराया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।